the nature of modern political parties modern political parties have started emerging mainly in 19th century especially during presidential presidential elections in us in 1800 but got full mature structures in 1820s till 30s uh, and in great britain the earlier clubs uh, they were eventually turned into proper parties in 1832 till 1867 uh, reforms and then in europe um, also the political parties took the shape and uh, uh, but uh, from 20th century they actually uh, converted into the proper uh, political parties so in the uh, when we talk about that there were ना देर आर मॉडर्न पोलिटिकल पार्टीज और वो पार्टीज जो हैं वो उन पुराने क्लब्स से डिफरेंट हैं जो पहले ये समझे जाते थे कि बेसिकली वो पोलिटिकल एक्टिविटीज़ को ले कर चलते हैं रन करते हैं लाइक वी हैव टू हाई लाइट सम बेसिक पॉइंट एट हाउ द मॉडर्न पोलिटिकल पार्टीज़ आर डिफरेंट एंड वट वट द नेचर ऑफ द मॉडर्न पोलिटिकल पार्टीज लाइक इन मॉडर्न पोलिटिकल पार्टीज द लीडर्स आर कमिटेड फॉर एडवांसिंग द ब्रॉडर एम्स ऑफ देयर पार्टीज आज कल की जो जदीद सियासी जमातें हैं दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों उनकी जो क्यादत है उसका बुनियादी काम क्या है बुनियादी काम ये है कि अपनी सियासी जमात के जो बुनियादी मकसद हैं जो ब्रॉडर एम्स ऑफ देयर पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको हाईलाइट किया जाए यानी कोई भी सियासी जमात जब तक अपने हकीकी मकासद की तर्जुमानी नहीं करती है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से कैसे ख़ुद को डिफरेंश करती है इसको अगर हम आसान जुबान में कह दें कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है उसका एक फ्रेमवर्क होता है और यही सबसे पहले आज कल की जदीद सियासी जमातों की बुनियादी कैरेटरस्टिक और खसूसियत होती है कि उसके अपने कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हों और वो मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो थ्रू लीडरशिप लोगों को कम्युनिकेट किए जाएं। देन द मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज ओन कंट्रोल एंड आल्सो टू वर्क विद गवर्नमेंट्स अब जहां हर पार्टी के कुछ एम्स होने चाहिए वहां हर पॉलिटिकल पार्टी की कोई अपनी स्ट्रेटी होनी चाहिए वो स्ट्रेटी क्या चीज़ होती है कि उसने गवर्नमेंट के साथ काम कैसे करना है गवर्नमेंट में रहते हुए कैसे काम करना है यानी अगर कोई भी सियासी जमात अगर बाकायदा तौर तो पर गवर्नमेंट का का हिस्सा है उसने गवर्नमेंट बनाई है तो तब भी उसको अपने उन प्लान्स को अब ऑपरेशनलाइज करना है अब अपनी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करना है अगर वो गवर्नमेंट से बाहर है तो उसने गवर्नमेंट को फोर्स करना है वो कौन से काम गवर्नमेंट कर रही है उनके ऊपर चेक रखना है और उनको बार बार ये बताना है कि कहाँ उनकी परफॉर्मेंस जो है वो लैग कर रही है यानी वो जो उनके मकासद थे कहाँ वो पार्टी जो है वो उन मकासद को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रही है देन मॉडर्न पोलिटिकल पार्टीज एन एक्सपेक्टेड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स एंड कंसर्नस अब जो पुराने वक्तों के अंदर जहाँ से पोलिटिकल पार्टीज़ का स्टार्ट हुआ तब छोटे छोटे सेगमेंट्स में चूँकि ग्रुप्स थे वो अपने लोकल जो मसाइल थे उन पर बात करते थे जो क्लब्स थे लेकिन जब पोलिटिकल पार्टीज़ की शक्ल आज कल के दौर में जो शक्ल है वहाँ हर पोलिटिकल पार्टी के लिए अपना एक सब्जेक्ट मैटर और अपने कंसर्नस होने चाहिए किस तरीके से अब ये नेशनल इशूज़ पर भी डिबेट होती है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को भी देखा जाता है यानी हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने पॉलिसी नैरेटिव्स जो हैं उनको बयान करना होता है कि वो मुल्की मसाइल पर उसका क्या पर्सपेक्टिव है इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पर क्या पर्सपेक्टिव है और उसके साथ साथ जो लोगों के लोकल मसाइल हैं जो रोज़मर के मसाइल हैं उस पर पार्टी पर्सपेक्टिव क्या है फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये दैट द मॉडर्न पोलिटिकल पार्टीज हैव देयर ओन आइडियोलॉजीज विच दे कन्वे थ्रू देयर वेरियस स्ट्रक्चर्स एंड देन मॉडर्न पोलिटिकल पार्टीज रिलाई हैवीली ऑन द सपोर्ट ऑफ मैसेज फॉर रिमेनिंग इन देयर ऑफिस किसी भी पोलिटिकल पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि लोगों के अंदर उसकी हमायत रहे ताकि वो अपने इकतदार को प्रोलोंग कर सके क्योंकि अगर पार्टीज अपनी मकबूलीत खो देंगी तो फिर वो इकतदार में नहीं रह सकेंगी और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी मकबूलीत कब खो देती है जब हमने जो बात अभी बयान की है कि उसका अपना फ्रेमवर्क होगा उसका लीडरशिप अपने प्रोग्राम्स को लोगों तक कम्युनिकेट करेगा वो प्रॉपर एफर्ट करेगा जब वो गवर्नमेंट में होगा पोलिटिकल पार्टी ओवरऑल एफर्ट करेगी कि क्या वो मकसद जो पार्टी ने बयान किए थे किस हद तक वो मकसद हासिल करने में कामयाब रही है सियासी जमात अगर सियासी जमात अपने मकसद को लोगों तक कम्युनिकेट करने में प्रैक्टिस करने में कामयाब नहीं रहती है तो लाजमी बात है कि फिर लोगों में उसकी मकबूलीत कम हो जाती है और फिर इस सूरत हाल के अंदर जो मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपनी जो पापुलरिटी है उसको लूज़ करने के बाद वो फिर सियासी निज़ाम और जो पॉलिटिकल कल्चर होता है उसके अंदर उनका साइज कम होता चला जाता है यानी कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि एक सियासी जमात को मौका मिला उसने परफॉर्म नहीं किया उसकी पॉपुलैरिटी की परसेंटेज लेवल कम हो गया और फिर वो श्रिंक होते होते या तो ख़त्म हो गई या किसी ख़ास लिमिटेड एरिया के अंदर कि सिर्फ उसका वजूद नज़र में आता है तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर हमने देखना है कि इन द मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या चीज़ है इनके लिए अहम कि वो अपने आ, आ, मैनिफेस्टो पर किस तरीके से अमल करती हैं और मैनिफेस्टो को कितना ज़्यादा सप्रेड करती हैं और फिर अपने आप को कैसे क्रिटिकली इवेलुएट करती हैं ये क्रिटिकल इवेलुएशन ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑफ़ देयर सक्सेस एंड ऑफ देयर फेलियर्स अगर ऐसा मेकानिज़म पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अंदर इवॉल्व कर लेती हैं तो डेफ़िनेटली फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो सर्वाइव भी करती हैं और उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती चली जाती है